ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज स्मृति तृतीय अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुल 7 मैच खेले गए। मैच के विजयी प्रतिभागियों को 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरस्कृत करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने स्थलीय निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके संबंध में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल लेवल पर कबड्डी मैच का प्रतियोगिता किया जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के खेल की भावना को बढ़ाना है और यह खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने कहा, डीजल और सब व्यवस्था डीजल के लिए सब हमने सब नहीं, कल 1500 लोग आएंगे ना, उनके लिए बुला लेंगे। टैंकर मंगा लीजिए, नगर निगम खड़ा है, नगर निगम सीएम साहब आ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? कोई दिक्कत नहीं। ये कोरोना पीरियड के बाद जो रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम में जो कार्यक्रम हो रहा है कबड्डी का, निसंदेह ये खिलाड़ियों में एक संगठनात्मक शक्ति का ये प्रचार करेगा, प्रसार करेगा और इनके अंदर एक जोश पैदा करेगा। और ये जो टीम आज यहाँ खेलने के लिए उपस्थित हुई है, खेल भी रही है, आप देख भी रहे हैं, तो ये खिलाड़ी काफ़ी जोश के साथ आए हुए हैं। कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि ये कोरोना पीरियड से पीरियड में ये लोग कहीं अपने एक्टिविटीज़ को बाधित किए रहे हैं। ये जो एक्टिविटीज़ है इनके द्वारा एक मैसेज भी देने का कार्य करेगा कि जो अभी 2 साल से हमारी गतिविधियां रुकी हुई थी, तो एक सकारात्मक संदेश देने का भी प्रयास करेगा ये मैसेज। और ये रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम ये नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से नेशनल लेवल पे खिलाड़ियों के अंदर एक जो खेल भावना है उसको डेवलप करेगा। और ये खिलाड़ी हमारा कहीं ना कहीं देश के स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं के साथ मैं खिलाड़ियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और यहाँ पर हमारे जो स्पोर्ट्स के अधिकारी हैं, इन्होंने जो तत्परता के साथ कम समय में इस ग्राउंड को तैयार करके एक आयोजन करा रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। इनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे आयोजन कराते रहें, ताकि किसी भी स्थिति में खिलाड़ी अपने मना स्थिति से उभर कर एक खेल भावना और देश हित की भावना, राष्ट्र हित की भावना को पैदा कर सके और एक जज्बा और एक जोश जो है देश के प्रति पैदा कर सके और समाज को एक नई दिशा दे सके। खेल का एक दृष्टिकोण भी है कि सकारात्मक माहौल पैदा करने का। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो भी खेल के प्रति अपनी आस्था रखते हैं वो आएँ, और ऐसे प्लेटफार्म जो गोरखपुर में प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये गोरखपुर लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है।